हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं मूंग की दाल के चिल्ले बनाने जा रही हूँ। देखिए, उसके लिए मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी 2-3 घंटे के लिए, और मूंग की दाल जब भीग गई है उसको धो करके और पीस लूँगी। उसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है और दो हरी मिर्च डाली है। इसको डाल करके मूँग की दाल को पीस लूँगी। देखिए, दाल को पीस लिया है और अपने स्वाद अनुसार नमक और धनिया मैंने इसमें डाली है। अब मैं चिल्ले बनाऊँगी। प्लेन चिल्ले तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो उसके मैंने स्टफिंग के लिए जो है मैंने शिमला मिर्च, गाजर, प्याज सब चीज काट करके और इसमें हल्का मसाला मिलाएंगे। थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, स्वाद अनुसार हल्का सा नमक, सबको मैं मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, अब मैं ये चिल्ले में स्टफिंग करूंगी इसकी, क्योंकि गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, तो बच्चों की भी सब्जी चली जाती है, इसलिए इसको जो है इसमें मैं चिल्लों में भर के बनाऊंगी। देखिए, अब मैं चिल्ला तवे पे डाल रही हूँ। चिल्ले जितने बढ़िया बनाइए उतना बढ़िया, पतले पतले चिल्ले। सर्दियों में चिल्ले का मज़ा ही मज़ा हो जाए, खूब धनिया आती है, हरी मिर्च सब डाल करके और चिल्ले बनाइए मूंग की दाल के, तो प्रोटीन भी होता है, तो आराम से बच्चे सुबह नाश्ते में खूब अच्छे से चिल्ले पसंद करते हैं। इसलिए मैं देखिए तवे पे मैंने चिल्ला फैला लिया है और देखिए चिल्ला हमारा फैल चुका है बढ़िया सा, ये एक तरफ हो जाएगा। फिर मैं इसको पलट के हल्का सा दूसरी तरफ सेक करके स्टफिंग करूँगी। चिल्ला बिल्कुल बन के रेडी हो गया है और हल्का सा ऑयल लगा करके इसको पलटेंगे। एक तरफ से हमारा चिल्ला नीचे से निकलने लगा है और इसको मैं पलट दूंगी। ये देखिए, अच्छे से हो गया, दूसरी तरफ भी हल्का सा हो जाएगा और इसमें मैं स्टफिंग भर करके चिल्ला हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए, चिल्ला हमारा सिक गया है दोनों तरफ से सिक जाता है तो चिल्ला खाने में टेस्टी लगता है। एक तरफ से कम सिकता है तो चिल्ला अच्छा नहीं लगता है, इसलिए दोनों तरफ से सिक जाता है तो इसलिए अच्छा लगता है। ये देखिए, इसे मैंने स्टफिंग करा। आप कुछ भी भरिए, पनीर भरिए, आलू भरिए, सब्जियाँ भरिए, कुछ भी भरिए, वो चिल्ला हमारा देखिए बन के बिल्कुल रेडी है। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, ये मैंने सर्व कर दिया चिल्ला। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।